नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार आईना। बिहार आईना के अभी से आए हुए हैं और अभी हम आए हुए हैं बिहार गया जिला के टिकारी प्रखंड के अंतर्गत जगदीशपुर गांव में। और जगदीशपुर गांव में आप देख सकते हैं बगल में मंदिर है, देवी स्थान इनको इसको बोलते हैं। और यहाँ पे आज भंडारा शुरू हुआ है और इसी के बीच में आए हुए हैं ये अमित वर्मा जी हैं, जो अभी सांसद वर्तमान में सांसद हैं, उनकी प्रतिनिधि रह चुके हैं और इनके मतलब काफ़ी चर्चा रहता है टिकारी क्षेत्र में, कई जगह मैंने नाम सुना है। और आज मिल गए, इत्तेफाक से मिल गए, हम लोग भी आए थे कुछ न्यूज के चक्कर में ही, तो मिल गए हैं, इनसे ही बात करते हैं। सर स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो भाई मैं बता देता हूँ यहाँ के युवाओं को कि जो इन्होंने आयोजन किया है यहाँ भंडारा का, चूँकि मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े शहरों में लोग भंडारा का आयोजन करते हैं और ऐसे गाँव में लोगों के द्वारा, यहाँ पिंटू है, छोटू है, सभी लोगों के द्वारा मिलकर यहाँ गांव में भंडारा का आयोजन किया गया है, तो इसके लिए भाई यहाँ के युवाओं को बधाई सबसे पहले। दूसरी बात, जब यहाँ मुझे आमंत्रित किया गया, जब मैं यहाँ आया तो चूंकि मैं इस क्षेत्र से पहले जुड़ा हुआ हूँ, बगल में बहेलिया भी का, जब जिस समय चूँकि जगदीशपुर जो है वो पहली बार नगर में जुड़ा है, तो पहले मैं यहाँ वाइस चेयरमैन था, अभी सांसद का प्रतिनिधि हूँ, यहाँ उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो पहले मैं बगल बहेलिया का वार्ड पार्षद में से मैं पार्षद जीता हुआ पार्षद था, वर्तमान में ही सांसद प्रतिनिधि हूँ। और आज ही आज जब मैं इस वार्ड में आया हूँ, मतलब क्षेत्र में जब आया हूँ, तो मैंने देखा कि आने क्रम में कि देवी स्थान के पास आने का जो रास्ता है वो पूरी तरह अवरुद्ध है। जब यहाँ के लोगों से बात किया तो बताया कि 6 फीट का रास्ता हम लोगों ने अपने जमीन मालिक जो है उन्होंने उन लोगों ने देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो हमने ये मतलब यहाँ प्रस्ताव रखा कि आप लोग एक आवेदन बनाइए और जिनका जिनका जमीन पड़ता है वो लोग अपना वहाँ पे नाम और प्लॉट नंबर के साथ दर्शाएं। थोड़ा सा कैमरा में से चाहेंगे तो रास्ता भी दिखा दीजिए। हाँ, तो दिखा दीजिए, इस तरह से बात कर रहे हैं, ये रास्ता है और मतलब रास्ता भी बना हुआ नहीं है, ऐसी गेड़ा है। ठीक है, तो हमने कहा जिनका जिनका जमीन है अगल बगल में दोनों से लिखवा लीजिए और उनको प्लॉट नंबर दर्शाते हुए उसका नाम और कितना जमीन देना है, सो प्रस्तावित रास्ता कितना सो बना लीजिए और एक आवेदन माननीय सांसद के पास आप दें, उनके नाम पर दें और ये बात मैं उनके पटल पर रखूंगा। और मुझे निश्चित तौर पर यह विश्वास है कि माननीय सांसद महोदय के द्वारा, श्री अभय कुशवाहा जी के द्वारा इस सड़क का कार्यादेश करने का उनके द्वारा आदेश दिया जाएगा। और उसके बावजूद एक बात और मुझे मालूम हो चुकी है, यह क्षेत्र नगर में भी आ चुका है और मैं एक बात और करना चाहूँगा, चूँकि मेरी पत्नी पार्षद है, वोट की मेंबर भी है और मैं सांसद प्रतिनिधि भी यहाँ का हूँ, तो किसी न किसी कारण से कोई ना कोई लापरवाही कारण यहाँ रुका हुआ अभी तक है। ठीक है, तो इस लापरवाही को दूर करते हुए इस बार पक्का मैं यह विश्वास दिलाता हूँ सभी लोगों के साथ कि यह सड़क इस बार बन के रहेगा, देवी स्थान के पास, देवी स्थान से लेकर जगदीशपुर तक यह सड़क निर्माण हो चुका रहेगा और चाहे तो सांसद महोदय बनवाएं या नगर से बने, लेकिन अब से सड़क बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जिस तरह से इन्होंने अपने बात को रखे और वैसे काम कर रहे, जो अभय कुशवाहा जी हैं उनका भी काफ़ी रिस्पांस भी देते हैं। सर कुछ ही किसी भी काम में अगर हम लोग भी फोन करते हैं तो फोन उठाते हैं और बहुत रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं, हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, कि अगर उन्हें किसी भी तरह कोई दिक्कत हो तो सीधा संपर्क करें हमारे माननीय सांसद के जो पीए हैं, उनसे संपर्क करें। किसी का इलाज में दिक्कत हो रहा हो या कुछ और समस्या हो तो आप डायरेक्ट संपर्क करें और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जरूर उनका काम जरूर होगा। और इसलिए भाई पहले जो था वो खत्म कीजिए, पहले जो थे वो अलग बात है, लेकिन अभी जो हैं मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को संतुष्टि जरूर होगी कि हमारे जो सांसद हैं वो अच्छे हैं और अच्छे काम करने वाले हैं। सर एक चीज़ और, हम जनता की ही बात है, जनता के सवाल है। सर अभी जिस तरह से मतलब मान लीजिए कि किसान यहाँ पे गाँव में है और भी गाँव में हम लोग हैं, तो किसान को जो अभी त्रुटियाँ आ रही है, त्रुटियाँ मतलब खाद को लेकर के आ रहा है सर, जैसे मतलब मान लीजिए कि वो उनको खाद जो मुहैया, जो उचित रेट होता है उसमें मुहैया नहीं करा जाता था, उसमें मतलब ज़्यादा रेट में मिल रही है। सांसद महोदय से भी मैं इस विषय पर बात कर चुका हूँ, तो हो सकता है कि आप लोग के द्वारा अगर बात पहुँचेगी तो ज़्यादा, हालांकि उन्होंने आश्वासन बहुत अच्छा दिए, एक्शन भी लिए, बोला कि जाके दुकानदार को आप फोन दीजिए और तुरंत एक्शन भी लिए, एक दो दुकान पर फोन दिया तो एक्शन भी लिए और बहुत अच्छा, तो मुझे लगा कि आपसे भी ये बात रखें। और कुछ राशन कार्ड वगैरह की भी ले करके, तो इसमें क्या मतलब करना है? मेरा बस इतना ही कहना है कि सबसे पहले तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जी जी, अगर हमारी जनता जागरूक रहेगी तो जो भी समस्या हो रही है राशन कार्ड वगैरह को लेकर या खाद को लेकर, तो वो समस्या तो होगी ही नहीं। मैं ये एक बताओ करना चाहूँगा कि अगर किसी सामान्य जनता को शिकायत है राशन संबंधी या खाद संबंधी, तो वो लिखित रूप से कंप्लेंट करें CEO साहब के पास, ठीक है, या CEO जहाँ भी मतलब उनके क्षेत्र में पड़ते हैं अधिकारी, वहाँ कंप्लेंट करें और उसका एक प्रतिलिपि सांसद को दें
और मैं अपने स्तर से वो प्रतिलिपि सांसद महोदय को दूंगा, उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये ग्रामीण है, ग्रामीण से क्या इनके बात से आप सहमत हैं? जिन्होंने रोड की मांग की है, जैसे कि इन्होंने कागज कुछ बोले कि जिससे मतलब एक आवेदन दीजिए और आवेदन देख के जिसकी जिसकी जमीन है प्लॉट नंबर वगैरह तभी नहीं आगे कार्य को बढ़ाएंगे, क्योंकि अधिकांश होता है आपने तो यहाँ पे कह देंगे या फिर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन जब काम शुरू होता है उस समय अड़चन आती है कि हमारा जमीन हम नहीं देवे नहीं करेंगे। इनके बात से सहमत है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मेरे चैनल में जुड़े, और प्लीज़ इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये बात आगे सांसद महोदय तक पहुँचे। धन्यवाद।